एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी देसा जी निवाजे गुरु प्यारे गुरु प्रेमी गुरमत जिग्यासु दर्शक सजनों आप सब दियां सीसां अते सतगुरां दियां बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। अज असी आखिरी अष्टपदी ते पहुँचे हाँ, आखिरी अष्टपदी की विचार शुरू कर रहे हाँ। यह भी गुरु महाराज दियां अपार बख्शां हन के कारज उसने कृपा करके इत्थे तक पहुँचाया है। तो यह जो अष्टपदी है ये विच जो सच्चा साडा इष्ट है गुरसिखां दा उसकी झलक सानू दिखाई गई है। वह होर कोई भी नहीं, वह एक ओंकार वाहिगुरु परमेश्वर आप है। तो उसकी ही गल उसके ही गुणों की चर्चा इस अष्टपदी विच सतगुरु कह रहे हैं दस रहे हैं। आरंभक श्लोक पातशाह फरमाते हैं श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मनुखी जीवन का समुचा उद्देश ही इस श्लोक विच पातशाह ने संखेप रूप विच प्रगट कर दिता है कि वाहिगुरु अकाल पुरख अपने आप विच पूरा है। उस पूरे का सिमरन ही गुरसिख ने करना है और वह सिमरन लई पूरा जाका नाम सिमरन लई उस परमेश्वर का पूरा नाम है। तो वह सिमरन करन दा अगों अगली तो कोई ढंग दस रहे हैं पूरे के गुण गाओ। जो नाम है वह गुण है वाहिगुरु के, इन्हों गुणा निरंतर ही गाना है। गुरमत की भगती वाहिगुरु के गुण गाना है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए। तो गुण भगती है परमेश्वर की जिसनों नाम कहा है और इस द्वारा फिर नानक पूरा पाया पूरे की प्राप्ति हो जाती है। मनुख पूरे नाल इक मिक हो जाता। गौड़ी गुआरे दे विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह फरमा रहे हैं परमेश्वर की जस विच उहदी पूर्णता का बयान करदिया होया जा कै वस खान सुल्तान जा कै वस है सगल जहान जा का किया सब किच होए तिस ते बाहर नाहीं कोए। उस वाहिगुरु दे अधीन ही हन संसार दे सारे हाकम। भावें कोई सुल्तान है राजा है खान है छोटा अहलकार है अफसर है और सारा ही जहान उहदे अधीन है और सारा कुछ ही उसके हुक्म विच हो रहा है। उस तो बार होर कोई भी नहीं है। इसे करके वह पूरा है। सब ते ऊच ताका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूरन तनी ताकी शोभा घट घट बनी। उस वाहिगुरु की कोर्ट उहदा दरबार सब तो वड्डा सब तो उच्चा है और सारे ही भगत जिहड़े हन उहदे दरबार विच उहदे नाम का ओट आसरा लै के उहदी भगती कर रहे हैं और सारिआं विच उह व्याप रहा है और पूरा है। वह पूरा मालिक है पूरन तनी और उहदी शोभा घट घट विच व्याप रही है।
सो इस प्रकार उसकी पूर्णता का जिक्र पातशाह ने इस श्लोक विच कीता है। अष्टपदी जो दी व्याख्या कर रहे हैं, अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सतगुरु जी की पदवी बारे भी गुरसिख नूं कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। सतगुरु कौन है? सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाउ, असी पहला विचार कर चुके हाँ। इसे बाणी विच आया है कि जिस परमेश्वर की अनुभवता सतगुरु नूं हो गई है, सतगुरु उस परमेश्वर का अनुभवी है, तो इस करके वह पूरा सतगुरु है। उहदा उपदेश सुनीए और जदों उहदे उपदेश नूं असी सुनन लग गए, सुनन दा भाव ही जपजी साहिब विच बड़े सुंदर पदां विच बयान किया गया भई सुनना की है। जे मन चित जोड़ के गुरसिख नाम सुनना शुरू कर दिया देवे तो सुनया अठ सठ का इशनान, सुनया पड़ पड़ पावें मान, सुनया लागे सहज ध्यान। उहदा सहज ही परमेश्वर के चरणों नाल ध्यान जुड़दा जांदा। तो इस तरह नाल गुरपुरे का सुन उपदेश, परमेश्वर दा जो गुण हैं वह परमेश्वर के गुण ही बाणी हैं और गुण ही पूरे गुरु का उपदेश हैं। जदों उन्होंने सुनना शुरू कर देंगे तो असी फिर पार ब्रह्म निकट कर पेख, सानू अपने आले दुआले हर वेले परमेश्वर की प्रतीति होंदी रहेगी। कितने दूर उसनों जंगलों पहाड़ों में असी लभण की लोड़ नहीं महसूस करांगे, वह साडे नाल ही है हर वेले। सोठ राग विच साहिब श्री अर्जुन देव पातशाह इस विचार की होर व्याख्या कर रहे हैं। गुरपुरा पेट्यो वडभागी, मने पया प्रगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। जदों मैं पूरा गुरु भेटिया, भाव मैं पूरे गुरु की शरण ली, तो मेरे मन विच प्रगास हो गया, चानण हो गया, ज्ञान हो गया। होर कोई उस अवस्था ते मैनू नहीं पहुँचा सकता, मैनू अपने मालक का ही सच्चा भरोसा है, विश्वास है। अंतर जामी करने हारा, सोई खसम हमारा, निरपौ पै गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधारा। तो गुरु द्वारा मैनू प्रतीति होई उस परमेश्वर की, और मैनू अंतरात्मा में जदों उहदा अनुभव होण लग पिया तो मैनू महसूस होया, मैनू समझ आई उही सब कुछ करन करावण हार है, उही साडा मालक है। जिहड़े गुरु के चरणों नाल जुड़ गए, भाव जिन्हां ने निम्रता नाल गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करनी शुरू कर दिती, उन्हां दे जीवन का आधार परमेश्वर वाहिगुरू अकाल पुरख आप हो गया है। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होनहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। उहदे दर्शन फिर अंतरात्मा विच होण लग पए, उस पूरे परमेश्वर की प्रतीति होण लग गई जिहड़ा हमेशा तो है और गाहनूं भी होएगा। उसने अपने कंठ लगा के अपने सीने नाल ला के साडे सारे औगण कट दिते और साडे जीवन का पार उतारा कर दिता। तो परमेश्वर गुरु की सिक्ख्या द्वारा असी वाहिगुरु का अनुभव कर सकते हाँ। साध साध सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। जदों मन अपने गुरु की सिक्ख्या सुनना शुरू कर दिंदा, अंतरात्मा विच वसाना शुरू कर दिंदा, फिर अंतरात्मा विचों परमेश्वर का सिमरन शुरू हो जाता, फिर वह सिमरन हर वेले ही हो रहा है। साध साध उठद्या बैठद्या सौंद्या जागद्या खांद्या पींद्या हर वेले, तो वह फिर जदों गोबिंद वाहिगुरु अकाल पुरख का अंतरात्मा भी सिमरन शुरू हो गया, तो मन जिहड़ा पहला संसार दीआं गल्लां नाल जुड़िया होया सी, मोह माया नाल जुड़िया होया सी और किसी चीज़ की प्राप्ति ते खुशी महसूस कर रहा सी, और बहुती वार तो बहुतिया चीज़ां प्राप्त नहीं हुंदियां, उन्हां दा फिक्र कर रहा सी, चिंता लगी हुई सी, इहनूं वह सारी की सारी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि मन विच जदों परमेश्वर का चितवन शुरू हो गया तो संसार दीआं चिंतावां मुक गईआं। तो इस तरह नाल लगातार परमेश्वर दे विच मन लीन हो गया। तनासरी राग विच साहिब श्री अर्जुन देव पातशाह ने फरमाया,
सिमर 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 सुख पावो साथ साथ समाले ए लोक परलोक संग सहाई जत कत मोय रखवाले। जो परमेश्वर का सिमरन पाव मन अंतर विच वाहिगुरु की याद वस गई तो सदीवी सुखां की प्राप्ति होण लग पई। साथ शास्त्र दा उहदी संभाल पाव उहदी याद आण लग गई। उस अवस्था में पहुँच के फिर लोग परलोक संघ सहाई इस संसार विच भी ते अगले लोग विच ओ परमेश्वर हर वेले साडे नाल है, मदद कर रहा है। जत कत मोह रखवाले जिथे किथे मैनू हर वेले मेरा रखवाला बन गया है। गुर का बचन बसै जी नाले जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पाए न साकै जाले। तो गुरु का यह बचन गुरु का उपदेश अंतरात्मा में वस गया है, जीव आत्मा वस गया है, जीव दे नाल आ गया है। हुण वह ऐसी उच्ची सुची अवस्था मन की बन गई कि मन हुण जल में डुबाया नहीं जा सकता। भाव मन में जो नाम का उपदेश है, नाम की जो पूंजी है, उस करके मन चढ़ती कला विच है। तो यह नाम की पूंजी नूं कोई तस्कर या चोर चुरा भी नहीं सकता, तो कोई आग उन्हें साड़ नहीं सकती। तो ऐसी उच्ची सुची अवस्था परमेश्वर के नाम सिमरन नाल प्राप्त हो गई है। आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग। फिर हर वेले मन विच जिस तरह समुंदर विच या नदी विच लहरां पैदा होंदियां हन, लहरां दियां तरंगां, इस तरह मन दी नदी विच मन दे सरोवर विच भी हर वेले आस अनित त्यागो तरंग, आसां दियां तरंगां उड़दियां रहिंदियां। हर वेले मन किसे ना किसे आस नाल जुड़िया रहिंदा। ते जदों गुरु पातशाह दी बख्शिश हो गई, मन अंतर विच नाम दा निवास हो गया, ते जिहड़ियां लगातार आसां दियां तरंगां हन ये त्यागियां गईयां, भाव मन टिक गया, मन शांत हो गया। पर ये मिलेगा किवें अवस्था? संत जना की धूर मन मंग। जे मन करके असी संतां दी धूड़ी मंगण लग पईए, भाव संतां दी संगत निम्रता नाल करिए और संतां दा उपदेश मन विच वसाण लग जाइए, संतां दा उपदेश, गुरु दा उपदेश, नाम दा उपदेश, बाणी दा उपदेश जदों हिरदे च वसण लग जाएगा तो फिर मन विच दियां तरंगां भी शांत हो जाणगियां। मन फिर व्याकुल नहीं होएगा, मन नूं एक आत्मक सुख दा अनुभव होण लग जाएगा। तो पातशाह कहिंदे ने जे संसार दियां आसां दे पिछे लग्गा रहे इंसान तां कदे भी सुखी नहीं हो सकदा। गोंड राग विच साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह दा शब्द आया है, जे किच आस अवर करै परमित्री मत तू जाने तेरे किते कम आई। हे मनुख, जे तू अपने मित्रां कोलों आसां रखदा है तू समझ लै कि वह आसां तेरियां पूरियां होण वालियां नहीं हन, वह किसी भी काम आने वालियां गल्लां नहीं हन जिहड़ियां तू मित्रां कोलों आस रख रहा है। ए आस पर मित्री पाओ दूजा है खिन मैं झूठ बिना सब जाई। मित्रां कोलों आसां रखणियां ये दूजा पाव है, पाव परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं ते होर संसार कोलों आसां रखदा पिया इंसान, और ये सारे दा सारा खिन मैं झूठ बिना सब जाई। ये बिनसदियां भी खत्म नहीं होना, जिहड़ियां आसां असीं वरियां बद्धी लाई रखदे हां वह टुटण ते आउंदियां हन तां फटाफट टुट जांदियां हन। पता ही नहीं लगता भी वह बंदा जिस कोलों असीं आस करदे हां वह किवें मूँह फेर लैंदा, किवें वह साडा साथ छड़ दिंदा है। तो इस संसार दियां आसां नाल कदे मनुख दे मन नूं चैन नहीं मिलदा। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाएं पाई। तो पातशाह उपदेश कर रहे हैं, हे मन उस सच्चे वाहिगुरु अकाल पुरख की आस रख जो कि हर वेले तैनू वाच रहा है, और उस दे नां दे थले जिहड़ा भी तू चंगा काम कर रहा है, परोपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, जो तेरा कालिया सब थाएं पाए, वो सारे दा सारा तेरा थाएं पै रहा, भाव सारा परमेश्वर नोट कर रहा है और उस सारे दा तैनू फल प्राप्त होना है। तो सच्ची आस वाहिगुरु की आस है, और संसार दियां आसां सारियां ही झूठियां हन।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਤੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਛੋੜ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭਾਵ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭਲਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ 310 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ ਦੁਆ ਪਾਰ ਵੈ, ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭ ਕੁਸਲ ਵਿਹਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਹਾਰੀ ਇੱਕ ਘਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਬੈਠ, ਭੋਜਨ ਕੈ ਬਿੰਜਨਾਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਆਘਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾਹਾਰੀ, ਭਾਵ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਾਵ 15-20 ਮਿੰਟ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਜਾਏ ਕਰਤ ਦੁਹਾਰ ਜਨ, ਏਕ ਘੜੀ ਪਾਛੈ ਦੇਸ਼ ਭੋਗਤਾ ਵੈ ਖਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਠ ਹੀ ਪੈਰ ਸਾਠ ਘਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰੈ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਠ
पैर होंगे और उन्होंने 60 घड़ियां होंदिया हैं। उन्होंने घड़ियों विचों एक घड़ी भी जो कोई कढ़ लवे अपने गुरु वास्ते सत्संगत वास्ते मन जोड़ के सत्संगत करे तो निज कर जाता है, संसार के पाव सागर तो पार हो के परमेश्वर के देश विच पहुँच जाएगा। तो ऐसी उच्ची सुची विचार सतगुरु दे रहे हैं। हर तन के पर लियो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। तो ये हर तन जिहड़ा है इहदी कमाई पाव परमेश्वर के नाम सिमरन की कमाई जिंदगी करनी है। जिस तरह इंसान वो कामयाब मनिया गया वे जिस को बहुत सारा धन पदार्थ होवे, पर भगत वो कामयाब है जिसने नाम सिमरन का धन इकट्ठा किया। ये भंडारे भरते रहना लगातार, जितनी संगत करिए, जितना पाठ करिए, जितना नेक काम करिए, सेवा करिए, वह भंडारे भरे जा रहे नाम दे। ते हर वेले फिर मन में सब कुछ करद्या होया गुरु का शुकराना, गुरु की शुक्र च रहना, गुरु पूरे नमस्कार, अपने गुरु नूं नमस्कारा करते रहना, भाव नाम का धन भी गुरु रूपी शाह तो प्राप्त होंदा है। तो गुरु अगे हर वे जोदड़ियाँ बेनतियां करते रहिए। गुजरी की वार मैला तीजा वि सतगुरु फरमाउंदे गुरु अमरदास पातशाह, एको निहचल नाम तन होर तन आवै जाए, इस तन को तस्कर जोए न सके ना वो चक्का लै जाए। नाम का तन ही रहने वाला तन है, होर संसारक तन पदार्थ आते जाते रहते हैं। इस तन नू नाम तन नू कोई चोर चुरा नहीं सकता, ना कोई धोखेबाज सातों खोह के ले जा सकता। ए हर तन जीए सेती रब रहा जीए नाले जाए, पूरे गुरते पाइए मनमुख पल ना पाए। ये नाम का तन जीव आत्मा दे नाल जुड़ जाता है, ये जीव आत्मा की पूंजी बन जाता है। तो शरीर तो इतने ही छुट जाना, संसार तो इतने ही छुट जाना, जीव आत्मा ने अगे जाना। तो नाम तन जीव आत्मा दे नाल अगे जाता है। जिहड़े गुरु तो बिछड़े हुए हैं बेमुखन उन्होंने ये नहीं प्राप्त होंदा। तन वापारी नानका जिन्हां नाम तन खटिया आए। तो सच्चे व्यापारी संसार विच ओह हन जिन्होंने परमेश्वर के नाम तन नूं खटिया है। तो जिंदगी विच परमेश्वर का नाम खट के, नाम की अमीरी, नाम की दौलत इकट्ठी करके संसार तो मुक्त हो के जाना, ऐसा उद्देश है और ऐसा गुरसिख के जीवन का जो है मंजिल है। तो सारे ही इस पद की विचार, श्लोक की विचार है, आई वर्शिप एंड अडोर द परफेक्ट लॉर्ड गॉड, परफेक्ट इज इज नेम। ओ नानक आई हैव ऑबटेन द परफेक्ट वन, आई सिंग द ग्लोरियस प्रेजिज ऑफ द परफेक्ट लॉर्ड। अष्टपदी, लिसन टू द टीचिंग्स ऑफ द परफेक्ट गुरु, सी द सुप्रीम लॉर्ड गॉड नियर यू, विद ईच एंड एवरी ब्रेथ मेडिटेट इन रिमेंबरेंस ऑन द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड द एंग्जाइटी विद इन योर माइंड शैल डिपार्ट। अबंडन द वेव्स ऑफ फ्लीटिंग डिजायर्स एंड प्रे फॉर द डस्ट फीट ऑफ द सेंट्स, रिनाउंस योर सेल्फिशनेस एंड कंसीट एंड ऑफर योर प्रेयर्स इन द साध संगत द कंपनी ऑफ द होली, क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ फायर, फिल योर स्टोर्स विद द वेल्थ ऑफ द लॉर्ड। नानक बोज इन ह्यूमिलिटी एंड रेवरेंस टू द परफेक्ट गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।